बारान झालावाड से कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया की लोकप्रियता तथा उनके पक्ष में चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपाइयों को अपने प्रत्याशी की हार का एहसास हो चुका है तथा इसी बौखलाहट में भाजपा नेताओं द्वारा अंतः शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मारपीट की गयी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि अंता शहर में भाजपा नेता प्रशांत विजयवर्गीय, मोहित कालरा एवं रामेश्वर खंडेलवाल सहित 10-15 अन्य भाजपाइयों द्वारा मनमोहन मीणा, विजय सुमन, बिट्टू कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव, कविश जैन सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बदसुलूकी करते हुए मारपीट की गयी। कांग्रेस जन जब इस मारपीट की घटना की पुलिस थाना अंता में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब इस घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी पूर्व खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को मिली तो वह तुरंत प्रदेश कांग्रेस सचिव हंसराज मीणा उठपुरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, पूर्व विधायक निर्मला सहरिया सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जनों के साथ अंता पुलिस थाने पहुंचे। वहां पर उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी से मिले। उन्होंने जांच करने के उपरांत ही मारपीट की घटना की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे कांग्रेस जनों के साथ खुलेआम मारपीट की गई और आप कह रहे हो कि जांच करने के उपरांत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। प्रमोद जैन भाया ने कहा कि बारान जिले की पुलिस राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्यवाही कर रही है। भाजपाइयों द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायत करने पर पुलिस तुरंत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन हमारे कांग्रेस जनों के साथ खुलेआम मारपीट होने पर भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी तथा यदि पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्यवाही की गई तो कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर होगी तथा जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर भी स्वयं जिम्मेदार होंगे। भाया ने पुलिस प्रशासन से कांग्रेस जनों के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। पुलिस द्वारा प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के विरोध में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, प्रदेश कांग्रेस सचिव हंसराज मीणा उटपुरिया, जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व विधायक बारान अट्रू पानाचंद मेघवाल, पूर्व विधायक कृष्णगंज निर्मला सहरिया, मंगरोल चेयरमैन कौश सुमन, अंता चेयरमैन सी पी मीणा, शाहबाद ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि सुआलाल मेहता, कृष्णगंज ब्लॉक अध्यक्ष अजीज नाजा, SC प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सत्यनारायण भूमिलिया समेत कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, संगठन पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तथा आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की गई। कांग्रेस जनों के उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस द्वारा सुबह 3 बजे भाजपाइयों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़, ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता फिरोज खान।